कुछ नहीं। अरे मेरे प्यारे एंथनी भाई, देख भाई इंडिया में जब तक अपुन की जेब में पैसा है ना, लोग पूछता है कैसा है अपुन को 5 लाख। अभी 3 हफ्ता हुआ गुंडा बन के नौकरी पर नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं ड्यूटी करता हूँ वो माँ की देखभाल करता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और SP रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और SP रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है।
उसके तीन दोस्त थे, नाम है उनके जॉनी, टिट्टू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि शाम टिट्टू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त थे, नाम है उनके जॉनी, टिट्टू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिट्टू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त थे, नाम है उनके जॉनी, टिट्टू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि शाम, टिट्टू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी
रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी,
जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि शाम टीटू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टीटू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टीटू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टीटू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टीटू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर
है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है।
चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरो को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टीटू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरो को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टोनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरो को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टोनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है।
आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके।
जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है शाम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि शाम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं, बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है शाम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि शाम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और शाम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन शाम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है।
आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके।
जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा।
चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं।
उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की
कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के
नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं।
बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के
नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं।
बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के
नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं।
बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में हैं। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के
नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नजर नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं। श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नजर नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं। श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नजर नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं।
बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के
नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में हैं। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके 3 दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में हैं। 4 लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं। शाम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। शाम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं।
बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा
वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं।
यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है, तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती
जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवी धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओमपुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक
ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवीर धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है, जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन देवीर धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है, जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है, जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है, लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से
एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया। फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं। नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम, टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं। उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था। लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहां पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी रणवीर सिंह और इंस्पेक्टर पांडे का ध्यान भी अपने ऊपर आकर्षित करता है जो कि इंस्पेक्टर है और अक्सर राम पर उसकी असली पहचान के लिए संदेह करता रहता है। आज मैं आपको चोर मचाए शोर इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा। चोर मचाए शोर 2002 की एक भारतीय एक्शन हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया। अभिनेताओं में बॉबी देओल प्रमुख भूमिका में हैं। बिपाशा बसु, शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, रजत बेदी जैसे अभिनेता सहायक भूमिका में हैं। यह फिल्म ने अपने आप को एक कॉफी फिल्म के तौर पर बताया है जो कि 1965 में आई हुई फिल्म कथानक ब्लू स्ट्रीक से मिलती जुलती है जिसे 1999 में भी हॉलीवुड में जारी किया गया।
फिल्म में राजपाल यादव के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हुई थी। कहानी आगे देखेंगे। फिल्म की कहानी है श्याम की, जो एक छोटा सा चोर है और वह संग्रहालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में विशेष काम करता है। उसके तीन दोस्त हैं, नाम है उनके जॉनी, टिटू और टॉनी, जो कि एक हीरा चुराने की योजना को अंजाम देने की कोशिश में है। चार लोग सफलतापूर्वक उस हीरे को चुराने में कामयाब हो जाते हैं ताकि श्याम टिटू और टॉनी को चमका दे सके। जॉनी और श्याम हीरा लेकर भाग जाते हैं, उसी बीच जॉनी भी भाग जाता है लेकिन श्याम पकड़ा जाता है। इसलिए उससे पहले कि वह हीरे को एक इमारत के नीचे छिपा देते हैं, श्याम को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। 2 साल बाद वह रिहा होता है और हीरा वापस लेने के लिए आता है तो उसे इमारत कहीं नज़र नहीं आती जिसमें हीरा रखा था, लेकिन यह देखकर वह बहुत आश्चर्य होता है कि इमारत के स्थान पर अब पूरी तरह से एक नया पुलिस मुख्यालय बन गया है। श्याम ने हीरा चुराने के लिए इमारत में अब प्रवेश करने का फैसला किया और वह एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर वहाँ पे आता है। वह अपने आप को राम अधिकारी बताता है। वह अपनी वीरता और एसपी